वाह भाई क्या व्यू है, देखो क्या नेचुरल व्यू है, एकदम मजा आ गया। लेकिन क्या नजारा है, अभी जा रहा हूँ पत्थरखंडी में, डब्ल्यूबीसी का सर्टिफिकेट है वो भी निकलना है। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया क्योंकि मुझे जाना था पत्थरखंडी में, और पत्थरखंडी में बहुत कुछ काम है आज मुझे, और सुबह सुबह आज खाना भी नहीं खाया, सिर्फ एक प्लेट बिस्किट ही खाया था। और पत्थरखंडी जाने टाइम बहुत अच्छा अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है सुबह सुबह आज, तो मज़ा आ गया। लेकिन मुझे मैं एक नेचर लवर हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ हमेशा गाड़ी के साइड में बैठता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा अच्छा जगह नेचर व्यू देखने में मुझे बहुत पसंद है, और घूमना तो मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है घूमना। और पत्थरखंडी जाते टाइम बहुत अच्छा, और आज का जो मौसम है काफ़ी अच्छा है मौसम, और नेचर व्यू भी अच्छा मिल रहा है। और सुबह सुबह निकल पड़े हैं पत्थरखंडी जाते हैं, और देखते क्या कुछ आज मज़ा आता है पत्थरखंडी में, क्या कुछ करते हैं। आप बने रहे वीडियो में ताकि आपको पूरा वीडियो देखना बहुत पसंद आएगा आज का वीडियो। और पत्थरखंडी जाते टाइम देखिए दो तीन ढाबा मिलता है, अभी नया नया बना है ढाबा दो तीन, तो इस ढाबे में कैसा खाना बनता है और कैसा यहाँ पर क्या क्या मिलता है आपको किसी दिन दिखा दूँगा मैं। और ये है पत्थरखंडी का हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के सामने रास्ता थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल मुझे मेरा जो लास्ट वीडियो था इस वीडियो में मैंने दिखाया था कि पत्थरखंडी का रास्ता ख़राब है, तो मुझे किसी ने एक मैसेज करके एक फोटेज दिया था पेपर कट का, तो इस मैसेज में लिखा था कि पत्थरखंडी का जो रास्ता है ये इसका सेंक्शन हो चुका है, कि पत्थरखंडी हॉस्पिटल से लेकर कनाई बाज़ार तक सेंक्शन हो चुका है, और इसका बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए शुरू नहीं हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल बहुत ख़राब है रास्ता, पत्थरखंडी हॉस्पिटल से लेकर कनाई बाज़ार तक बहुत बहुत बुरा हाल है रास्ते का, और आप देख ही सकते हो किस तरह से है। और पत्थरखंडी में आज देखा लोग थोड़ा कम है क्योंकि हम सुबह निकल पड़े पत्थरखंडी के लिए, और चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ पत्थरखंडी में देखने मिलता है। और अभी कंटेंट की बहुत कमी है, और लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे बाहर कहीं में, अगरतला शिलोंग कहीं भी चलेंगे, आप जहाँ आप कमेंट करके बताना। अभी आया हूँ मैं BSNL ऑफिस में, क्योंकि BSNL ऑफिस में मुझे आधार कार्ड का अप्लाई करना है, और देखते होता है कि नहीं होता है। और आज पत्थरखंडी में थोड़ा भीड़ भाड़ कम है, और बारिश का मौसम है इसीलिए शायद कम है लोग। कोरोना के वजह से आधार कार्ड का अप्लाई बंद है क्योंकि सबका फिंगरप्रिंट चाहिए, और कोरोना के वजह से गवर्नमेंट का ऑर्डर कि आधार कार्ड अभी नहीं होगा, अप्लाई भी नहीं होगा। कोई आधार कार्ड बनाने के लिए आया और वो कोरोना पॉजिटिव हुआ, और सबका हो जाएगा क्योंकि थंबनेल एक ही मशीन में लिया जाता है, इसलिए अभी आधार कार्ड का अप्लाई बंद है, तो शायद 1 जून के बाद स्टार्ट होगा। मेरा जो लास्ट वीडियो था प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पत्थरखंडी, इस वीडियो को फेसबुक में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, अभी तक 38K व्यूज़ आ चुके हैं 3 दिन में, और 600 लोगों ने शेयर कर चुके, तो मैं सभी को दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। और जो भी मुझे फेसबुक में देख रहे हो अभी, तो प्लीज़ कैप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है राहुल द ब्लॉगर, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ 2 दिन पहले यूट्यूब में अपलोड होता है, और 2 दिन के बाद फेसबुक में अपलोड होता है। और अभी एक दुकान में आया हूँ मैं, और एक कैप खरीदा क्योंकि मेरा बाल मैंने बहुत छोटा कर दिया, और इसलिए मुझे देखने में बहुत ख़राब लग रहा था, इसलिए मैं एक कैप खरीदा, और धूप ज़्यादा था इसलिए एक चश्मा भी खरीद लिया। जो भी मुझे यूट्यूब या फेसबुक में देखते हो, तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद अपना इंपॉर्टेंट सजेशन देना, ताकि मैं वीडियो का क्वालिटी और अच्छा कर सकूं और आपको और अच्छा वीडियो दे सकूं। मैंने ये कैप खरीदा और ये ग्लास खरीदा क्योंकि धूप में चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, और जो मैंने अपना बाल कटवा दिया इसलिए बहुत देखने में ख़राब लग रहा था, इसलिए कैप भी खरीद लिया। और अभी जा रहे बैंक में, देखते क्या होता है। बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ रास्ते के एक साइड से दूसरी साइड में जाने के लिए, बीच में पानी इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ, और अगर मैं साइड से जाने की कोशिश करूँ क्योंकि गाड़ी चल रहा है तो पूरा मुझे गंदा कर देगा, पूरा भिगो देगा पानी से, गंदे पानी से, इसलिए मैं थोड़ा साइड से ही जा रहा हूँ अभी। और आज देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। अब आज का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो बहुत गर्मी भी है, और ये चश्मा अभी ख़रीदा है मैंने, कैसा है ग्लास बताना, और धूप ज़्यादा है इसलिए खरीद लिया। जो ग्लास है ये मैंने 150 रुपये में ख़रीदा, तो कैसा हुआ बताना, और मुझे कैसा लग रहा है ये बताना। और आज पत्थरखंडी ये ठीक है, लेकिन आज ज़्यादातर देख रहा हूँ लोगों ने मास्क पहना है, और आज शायद क्या पुलिस ने थोड़ा टाइट कर दिया इसलिए लोग मास्क पहन रहे घूम रहे, और मैं गाड़ी में बैठा हूँ इसलिए मास्क खरीदा हूँ, और मास्क और कैप लगा के फिर ऐसा लगता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कोई हैबिट नहीं है मेरा, इसलिए ऐसा हो रहा है।
तो देख सकते हो कितना दूर से लोग अगरतला से अभी तक चल के आ रहे हैं। अभी पत्थरगांधी आ चुके हैं, कम से कम 300-400 किलोमीटर चल के आ चुके हैं और कहाँ जाएंगे पता नहीं, लेकिन अभी तक चल रहे हैं। लॉकडाउन के वजह से ट्रेन बंद है इसलिए चल रहे लोग, क्या करें, लोगों का मजबूरी है। पत्थरगांधी हॉस्पिटल के बाद बहुत ही बढ़िया रोड है और हम निकल पड़े घर जाने के लिए। और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, लुएरपा तक चुराईबड़ी त्रिपुरा गया है। और वीडियो हो चुका है बहुत लंबा, तो वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। और जो भी मुझे यूट्यूब में देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मुझे आप फेसबुक में देख रहे हो तो मेरा पेज में आप फॉलो कर देना मेरे पेज को। और आप वीडियो को लाइक करें या ना करें तो प्लीज़ अपना इंपॉर्टेंट सजेशन दीजिए, ताकि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकूँ मेरे वीडियो में, ताकि और आपका सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सजेशन से मैं वीडियो का क्वालिटी और अच्छा बना सकता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर कर देना और सजेशन अपना कमेंट जरूर दीजिएगा।